आने की खबर है तो जो है ये सिर्फ मैं देख रहे हो या मेरी गल भी सुन रहे हो? अच्छा माशा
झूठे की रिवायत ली जाती है? बोलते नहीं आप? शहर का नाम आ चाहिए सी गुस्से वाला, थोड़े मूड तो यही लग रहा है। क्या नाम आ चाहिए सी? हाँ रलता मिल गई है। क्या नाम है वैसे इसका? गुस्सा वाला। देखो ये गुस्से वाला भी हो सकता है तो दोस्तों वाला भी हो सकता है। ये वो थोड़े थे कि तुझी जना क्या मशहूर करना है। देखो तकरीरें होती रहती हैं और मैं तकरीर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात कानों तक न रहे, रूह के अंदर बस जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास, ए इंसानों, कद जाअकुम बुरहान मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास रब तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आ गया है। वह अगर
तो वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पहाड़ों पे नाजिल करता तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान अल्लाह की शान है और अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है उसका कलाम। खुदा का कलाम उसकी जात नहीं, उसकी सिफत है। तो वहां से लाने की जरूरत क्या? मर्तबे
हमने जो कुरान तुम्हारी तरफ भेजा ये मेरी तरफ से आया, मेरी तरफ से का जिक्र अल्लाह ने नबी की आमद के साथ किया। घर समझ लिया नहीं? अल्लाह ने ये कहा तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन, एक वाज़े नूर, एक बगैर किसी शक शुबे के जो खुला हुआ बयान है वो तुम्हारी तरफ हमने नाजिल किया है, लेकिन अपने नबी के लिए कहा कि हमने तुम्हारी तरफ एक बुरहान भेजा है, तुम्हारे पास एक बुरहान आया है, लेकिन वो कहां से आया? मेरे रब है, वो तुम्हारी रब की तरफ से आया। लेकिन कुरान के लिए इस आयत में यह ना फरमाया कि ये तुम्हारे रब की तरफ से आया है, क्यों? कहा जिसने इसके पहले जुज पर ईमान कबूल कर लिया, इसके पहले जुज को तस्लीम कर लिया, वो दूसरे जो आपकी शैतान नहीं वो
कितनी अजीब बात है, वो कोई है शैतान नहीं, दुआ तो करते हैं कि वो कुदर दफा हो जाए, लेकिन वो है जो कहे शैतान नहीं ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं हो सकता। देखो शैतान के इनकार से भी आदमी काफिर हो जाता है, रहमान के इनकार से कहते हैं मुसलमान है। आप समझ आएंगे क्यों, एक अनाड़ी ड्राइवर के साथ जान बचाने के लिए नहीं बैठते, तो
मंजिलों से गुजारा गया। इमाम अबू यूसुफ सिर्फ अबू यूसुफ थे, वो इमाम बने इसलिए कि शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा के। समझ आई कि नहीं? तो एक शागिर्द को देखकर उसके उस्ताद का पता चलता है और उस्ताद की रौनक क्या है कि वो सबक ऐसा पढ़ाए कि पढ़ने वाले को कोई चीज मुश्किल नजर ना आए, पढ़ने वाले को आसान हो जाए। और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन निसाब कुरान था। आज इसकी सैकड़ों हजारों तफसीरें लिखी जा चुकी हैं, कोई बगैर हदीस के तफसीर करके दिखाए। कुरान की तफसीर हदीस के बगैर कोई करके दिखाए, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि तफसीर करने के लिए जो कुरान की असल इबारत है उसके अलावा कुछ लिखेगा ना? अगर कुछ ना लिखेगा फिर तो वो कुरान है। तफसीर लिखेगा तो कुछ अल्फाज पढ़ेंगे कि नहीं? बोलते नहीं तफसीर, तो हम क्या बीमारी है, बोलते क्यों नहीं बताओ? जब तफसीर लिखेगा कोई अल्फाज पढ़ेंगे कि नहीं? तो अगर आप दो सुनते हैं या अल्फाज पढ़ाएगा अपने अल्फाज पढ़ाएगा तफसीर फिर राय हो जाएगी जो हराम। तफसीर की राय क्या होती है? जरा आखे मेरा ख्याल ही है, जरा आखे मेरी राय ही है। जैसे आने तेरी राय दी थे कोई कीमत नहीं, खुदा का कलाम और खुदा के कलाम और खुदा की मुराद तक पहुंचना ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब रब की मुराद तुझे मालूम होगी। रब की मुराद तुझे मालूम नहीं हो सकती, रब ने अपनी मुराद जिसे बताई है वो उसका महबूब है। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने कलाम की मुराद बताई, इसलिए कायनात में एक भी तफसीर ऐसी नहीं है जिसमें हदीस का सहारा ना लिया गया। कुरान की तफसीर हदीस के बगैर नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है अकीमु सलात, नमाज कायम करो। मैं आपको कहता हूं दिन रात लगे रहो, सारी जिंदगी जिंदगी लगे रहो। और नबी पाक की हदीस के बगैर मुझे नमाज पढ़ के दिखाओ, एक रकत नहीं इससे अल्लाह अकबर जो शुरू करते हो ना, ये भी नहीं इससे पहले जो तुम नियत करते हो ये मुझे हुजूर की हदीस के बगैर तुम करके दिखा दो तो मैं मानूंगा कि वाकई तुमने तफसीर की और खुदा की मुराद पहुंच गए।